गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ यशवंत सिंह, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अमराना। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर, सब्जेक्ट कोड EL 304, माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग की सेकेंड यूनिट जो चल रही है हमारा, उसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, जो माइक्रोवेव ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें पहला टॉपिक हम पढ़ चुके थे, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन। टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन के बाद हमने बताया था कि उसी लेक्चर में कि उसकी पावर लेवल जो कम होती हैं उनको इंक्रीज करने के लिए फिर हम मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका कंस्ट्रक्शन कि उसकी बनावट कैसी है, उसकी वर्किंग कि वो कार्य कैसे करता है, एप्लगेट डायग्राम उसका, परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या है? रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इज ए सिंगल कैविटी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव ऑसिलेटर। जैसा कि हमने टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन पढ़ा था उसमें कितनी कैविटी थी? दो कैविटी थी, एक इनपुट कैविटी और एक आउटपुट कैविटी। इनपुट को हमने बंचर कहा था, आउटपुट को हमने कैचर कैविटी कहा था। लेकिन रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में दो कैविटी होने के बजाय केवल एक ही कैविटी रहेगी, वही दोनों का काम करेगी, यानी वही बेंचर कैविटी का काम करेगी और वही कैचर कैविटी का कार्य करेगी। उसी में बंच की फॉर्मेशन होगी, उसी में यानी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा, उसी से फाइनल आउटपुट हमने प्राप्त करनी है। तो एक तो ये हो गया, सेकंड वन इज रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन दैट वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन एंड ओसिलेशन इन ए सिंगल कैविटी एंड इट इज ए लो पावर एंड लो एफिशेंसी माइक्रोवेव जनरेटर। तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि रिफ्लेक्शन होगा इसमें और सिंगल कैविटी में जो इलेक्ट्रॉन बंच आएंगे उनके द्वारा ओसिलेशन प्रोड्यूस होंगे, ओसिलेशन से हमें फाइनल आउटपुट प्राप्त होगी, यानी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एंड करंट मॉड्यूलेशन वही प्रिंसिपल रहेगा जो हमारा टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन का था। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन से इलेक्ट्रॉन के बंच की फॉर्मेशन होगी और करंट मॉड्यूलेशन से हमें आउटपुट प्राप्त होगी। और इसकी आउटपुट किस फॉर्म में रहेगी, यानी उसकी परफॉर्मेंस कैसे रहेगी? इट इज ए लो पावर, यानी लो पावर के सिग्नल मिलेगा एंड लो एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी लेवल है वो लो होती है। तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि क्या है कि रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गन, वो सेम हमारे टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन की तरह ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन रहेगी, एक कैविटी, यानी कैविटी वहाँ दो थी यहाँ एक हो जाएगी, विद ए पेयर ऑफ ग्रिड एंड ए रिपेलर प्लेट। वहाँ दूसरी कैविटी की जगह इसमें एक रिपेलर प्लेट लगाई हुई होगी। एक्सेलेटिंग ग्रिड आर प्रेजेंट विच इंसिस्ट द इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल इन ए लीनियर बीम। एक्सेलेटिंग जो बीम थी जिन्हें हम फोकसिंग ग्रिड भी कहते हैं, फोकसिंग एनोड भी कहते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन के बीम को एक रिपेलर प्लेट की तरफ डायरेक्ट करेंगे और एक नैरो बीम में ताकि उनका फैलाव ना हो। तो डायग्राम में देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। ये हमारा रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन है। तो ये जो है ये हमारी है इलेक्ट्रॉन गन, जो कि बताई हुई है कि इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, यानी ये किससे जुड़ी हुई होती है? ये वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है, यानी कैथोड से जुड़ी हुई होती है, ऋणात्मक सिरे से जुड़ी हुई होती है। तो ये गर्म होकर क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी। नेक्स्ट ये है जो हमारे ये क्या है, फोकसिंग ग्रिड या एक्सेलरेटिंग ग्रिड। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के फैलाव को रोकती है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फैले नहीं और एक बीम के रूप में ट्रेवल करें। नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है हमारी कैविटी। तो यहाँ कैविटी आप देख पा रहे होंगे कि एक ही कैविटी है और इसे एनोड कैविटी भी कहते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज जो हमारा है बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है, तो इसे हम एनोड कैविटी भी कहते हैं। तो ये एनोड कैविटी, इसी से हमें क्या प्राप्त करना है? संकेत को आउटपुट में लेना है जो कि कोएक्सियल केबल से फाइनली ये जुड़ी हुई होती है। इस कैविटी ये फिर इसके एक लगी होती है रिपेलर प्लेट या रिपेलर इलेक्ट्रोड। ये एक दूसरी बैटरी है जो कि
उसके नेगेटिव सिरे से जुड़ी होती है। तो रिपेलर इलेक्ट्रोड एक बैटरी दूसरी लगी हुई होती है जो उसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है, और इस VR का मान इस VA की तुलना में ज़्यादा होता है। ये अजम्पशन मानी जाती है कि इस नेगेटिव जया रिपेलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हायर होता है देन की कैथोड से, क्यों? तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल होकर वापस जाएंगे। अगर इससे कम हो गया तो ये अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि इसकी तुलना में यदि ये इससे कम रहा तो एक एज ए पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगी। तो VR को हायर पोटेंशियल पे रखा जाता है किसके? कैथोड की तुलना में। ये एक अजम्पशन माना जाता है। कैविटी और रिपेलर प्लेट के मध्य का जो स्पेस है वो कहलाता है रिपेलर स्पेस, यानी ये वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रिपेल होंगे, यहाँ से ये परावर्तित होंगे, वो चाहे वो यहाँ से हो जाए घूम जाए या यहाँ से घूम जाए या यहाँ से घूम जाए, तो ये यहाँ से इस जगह में वो वापस मुड़ जाते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी उनके वेलोसिटी पे कि कितनी वेलोसिटी से कौन सा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो तो ज़्यादा पास तक चला जाएगा, लेकिन जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो दूर से ही वापस टर्न बैक हो जाएगा। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, मोटे मोटे वही बिंदु हैं जो हमारे टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन में थी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो गर्म होकर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है। यह बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ी होती है अर्थात कैथोड से जुड़ी हुई होती है। दूसरा, इसमें एक फोकसिंग इलेक्ट्रोड फोकसिंग ग्रिड या वो फोकसिंग ग्रिड होती है जो कि इलेक्ट्रॉन के फैलाव को रोकती है और एक नैरो बीम बनाती है इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट इसका थर्ड वन पॉइंट हो जाएगा कि इसमें एक सिंगल कैविटी होती है जो कि दोनों कार्य करती है, बंचिंग कैविटी का तथा कैचर कैविटी दोनों का ही कार्य करती है। यह कैविटी कोएक्सियल केबल के द्वारा बाह्य सर्किट या परिपथ से जुड़ी हुई होती है, यानी इस कैविटी से ही हमें आउटपुट प्राप्त की जाती है। फोर्थ वन पॉइंट हो जाएगा, इसमें एक रिपेलर प्लेट होती है जो कि कैथोड की तुलना में हायर पोटेंशियल पर रहती है तथा इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को परावर्तित कर वापस एनोड कैविटी की तरफ भेज दिया जाता है। तो ये चार इसमें मोटे मोटे पॉइंट्स बनावट में आपको बताने होंगे कि सिंपल एक इलेक्ट्रॉन गन, एक फोकसिंग ग्रिड या फोकसिंग इलेक्ट्रोड, दूसरा एनोड कैविटी होती है, एनोड कैविटी क्यों कहा? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, और चौथा इसमें एक रिपेलर प्लेट होती है जो कि कैथोड की तुलना में हायर पोटेंशियल पर रखी जाती है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की वर्किंग वो बनावट सॉरी वर्किंग यदि इसमें पढ़ें तो वर्किंग ये जो हमारे कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन गन जुड़ी हुई होती है, तो इलेक्ट्रॉन गन गर्म होकर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी, फिर ये फोकसिंग ग्रिड या फोकसिंग इलेक्ट्रोड हमारे उस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन गन द्वारा उनको एनोड कैविटी की तरफ नैरो बीम में फॉर्मेशन करती है, और जो भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो ये एनोड कैविटी में पहुँच जाते हैं। एनोड कैविटी में पहुँचने पर वहाँ मौजूद संकेत के कारण एक अजम्पशन ये भी है कि हम यहाँ एनोड कैविटी में, क्योंकि यहाँ इनपुट तो हमने कुछ दी नहीं है, लेकिन एक संकेत हम पहले से ही अज्यूम करते हैं कि यहाँ एक RF सिग्नल मौजूद है, यहाँ एक RF सिग्नल मौजूद है। ये एक सेकंड अजम्पशन है। तो दो अजम्पशन हो गए इसमें कि हायर VR का पोटेंशियल ज़्यादा होता है VA की तुलना में, और सेकंड है कि यहाँ हम एनोड कैविटी में एक सिग्नल को पहले से ही अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ एक RF सिग्नल मौजूद है। तो उस वहाँ मौजूद एनोड कैविटी में मौजूद RF सिग्नल के कारण जो इलेक्ट्रॉन उसके धनात्मक चक्कर के दौरान आते हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन उसके धनात्मक चक्कर के दौरान आएंगे उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जो उसके ऋणात्मक चक्कर के दौरान आएंगे उनकी वेलोसिटी घट जाएगी, तथा जो जीरो पर आएंगे उनके वेलोसिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने तीन इलेक्ट्रॉन लिए हैं फॉर एग्जांपल, तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने कहा जो धनात्मक चक्कर के दौरान आए उनको कहेंगे अर्ली इलेक्ट्रॉन,
जो कि पहले निकला, जो जहां मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, इसको कहा अर्ली इलेक्ट्रॉन, जो फिर जीरो वोल्टेज के दौरान आते हैं उन्हें कहेंगे हम रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि यहां पॉइंटर मूव कर रहा है ये, और एक इलेक्ट्रॉन वो है जो कि ऋणात्मक चक्कर के दौरान आएंगे, वो उन्हें हमने कहा लेट इलेक्ट्रॉन। तो तीन इलेक्ट्रॉन माने हमने, अर्ली इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन एवं लेट इलेक्ट्रॉन। तो अर्ली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण इसके पास ज़्यादा ताकत रहेगी, यानी ज़्यादा फोर्स से ये रिपेलर प्लेट की तरफ मूव करेगा। तो ये ज़्यादा वेलोसिटी होने के कारण रिपेलर प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, क्योंकि अब ये क्या है, ये भी नेगेटिव टर्मिनल पे है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इससे क्या होंगे, रिपेल होंगे, दूर हटेंगे, तो ये वापस घूम जाएंगे। और जो कि एनोड कैविटी जो कि पॉजिटिव टर्मिनल पे है, ये देखो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ी हुई है, उस पर आकर क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ आकर इसके एनोड कैविटी के अंदर चले जाएंगे। दूसरा जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसकी गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जितनी गति से ये कैथोड से निकला, इलेक्ट्रॉन गन से निकला, उसी गति से मूव करता हुआ रिपेलर प्लेट की तरफ जाता है और अर्ली इलेक्ट्रॉन से पहले ही मुड़ जाता है। क्यों, अर्ली इलेक्ट्रॉन की तो स्पीड ज़्यादा थी, तो वो हाइयर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और लेकिन रेफरेंस इलेक्ट्रॉन उससे पहले ही वापस मुड़ जाता है और एनोड कैविटी में पहुंच जाता है। लेट इलेक्ट्रॉन, लेट इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे बाद में निकला, उसकी वेलोसिटी ऋणात्मक चक्कर के दौरान आता है, तो उसकी वेलोसिटी और घट जाती है, जिससे कि उसके पास कम एनर्जी होती है और रिपेलर प्लेट के दूर से ही वो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, पुनः एनोड कैविटी की तरफ घूम जाता है। तो अर्ली इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस रिपेलर स्पेस में, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन बीच का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मीडियम, और जो लेट इलेक्ट्रॉन है वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और रिपेल बैक हो जाएगा, यानी वापस से घूम जाएगा और एनोड कैविटी में पहुंच जाते हैं। एनोड कैविटी में पहुंचने के बाद ये ओसिलेशन प्रोड्यूस करते हैं, ओसिलेशन यानी सिग्नल, जो हमने प्रीअज्यूम माना कि वहाँ सिग्नल है, उनमें उन ओसिलेशन को क्या कर देते हैं, सस्टेंड कर देते हैं, कि वो ओसिलेशन बने रहते हैं और हमें आउटपुट पर संकेत मिलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। उस कोएक्सियल केबल के द्वारा हम आउटपुट पर सिग्नल प्राप्त कर लेते हैं, जो कि वीक सिग्नल हमने अज्यूम किया था कि हाँ वहाँ कोई हल्का सा सिग्नल मौजूद था, वो अब उसके ओसिलेशन क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डंप होने के बजाय वो सस्टेंड हो जाएंगे, और सस्टेंड होने के कारण हम इस कोएक्सियल माध्यम से उन आउटपुट के रूप में उन माइक्रोवेव संकेत को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये एक माइक्रोवेव ओसिलेटर या माइक्रोवेव जनरेटर का कार्य करता है। तो वर्किंग जो हमने पढ़ी कि इसमें क्या है, धीरे से एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वर्किंग इलेक्ट्रॉन गन गर्म होकर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, ये इलेक्ट्रॉन फोकसिंग ग्रिड के द्वारा एनोड कैविटी की तरफ इनको फोकस किया जाता है, एनोड कैविटी में पहुंचने पर वहां मौजूद आरएफ सिग्नल के कारण इनकी वेलोसिटी मॉडिफाई होती है या वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है इनका, जो सिग्नल पॉजिटिव वोल्टेज के दौरान आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन जीरो वोल्टेज पर आएगा उसकी वेलोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वोल्टेज के दौरान आएगा उसकी वेलोसिटी घट जाएगी। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बीम के या इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी मॉडिफाई होती है, जिसे हम वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इन्हें हम मेनली तीन इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, अर्ली इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन एवं लेट इलेक्ट्रॉन। अर्ली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि लेट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी घट जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन रिपेलर स्पेस में रिपेलर प्लेट की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो जो जिस इलेक्ट्रॉन के हाईएस्ट वेलोसिटी है वो रिपेलर स्पेस में डीपर ट्रेवल करता है, यानी रिपेलर प्लेट के सबसे नज़दीक पहुँचता है, और नज़दीक पहुँच कर पुनः एनोड कैविटी की तरफ मुड़ जाता है। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो मध्यम दूरी तय करता है एवं वहाँ से रिपेल बैक हो जाता है और एनोड कैविटी में पहुँच जाता है। लेट इलेक्ट्रॉन सबसे कम दूरी ट्रेवल करता है रिपेलर स्पेस में और परावर्तित होकर एनोड कैविटी में पहुँच जाता है।
ये तीनों इलेक्ट्रॉन एनोड कैविटी में एक साथ पहुंचते हैं एक ही टाइम पर, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे। क्योंकि इसने हाईएस्ट किया तो इसको ज़्यादा समय लगेगा यहाँ पहुंचने में, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ने मीडियम किया तो इसको मीडियम टाइम लगेगा, और लेट इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे लेट निकला था लेकिन इसने सबसे कम दूरी ट्रेवल करी, तो ये एनोड कैविटी पे तीनों एक साथ ही पहुंचते हैं, तो ये क्या बनता है, बंच बनेगा। तो आरएफ सिग्नल जो हमने प्री अज्यूम किया उसके एक साइकिल के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक बंच की फॉर्मेशन हो गई, और ये एक जब बंच के रूप में इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे और ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेंगे, तो वो जो पहले हमने लो पावर का ऐसे ही कोई सिग्नल माना तो उसकी पावर को बढ़ा देंगे, यानी ओसिलेशन को सस्टेंड कर देंगे, हाई फ्रिक्वेंसी का हमें सिग्नल यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये हाई बंच के रूप में पहुँचेंगे तो इनकी ओसिलेशन जो होंगे वो हाई फ्रिक्वेंसी के होंगे, तो माइक्रोवेव सिग्नल हमें जनरेट होकर मिलेगा। तो इन्हीं वर्किंग को जो बताया वो पॉइंट्स के रूप में लिखा है, द कैथोड इमिट इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सेलेटेड फॉरवर्ड बाय एन एक्सेलेटिंग ग्रिड विद ए पॉजिटिव वोल्टेज ऑन इट एंड फोकस्ड इनटू नैरो बीम, कि इलेक्ट्रॉन कैथोड के द्वारा इमिट किए जाते हैं और एक्सेलेटिंग ग्रिड के द्वारा इनको नैरो बीम के रूप में फोकस किया जाता है। दूसरा है, द इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द कैविटी एंड अंडरगोज वेलोसिटी मॉडुलेशन आर रिपेल्ड बैक बाय रिपेलर प्लेट विच इज एट ए नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, कि ये इलेक्ट्रॉन कैविटी में से गुजरते हैं तो उनके वेलोसिटी मॉडुलेशन होता है और ये रिपेलर प्लेट के द्वारा परावर्तित हो कर दिए जाते हैं। ऑन रिटर्न द इलेक्ट्रॉन बीम वंस अगेन एंटर्स द सेम ग्रिड विच एक्ट्स एज ए पंचर, वापिस की जो यात्रा है उसमें वो पुनः उस दोबारा उस कैविटी में पहुंचते हैं, और दोबारा कैविटी में पहुंचने पर एक वो बंच के रूप में पहुंचते हैं, और ये कैविटी एक बंचर का कार्य करती है। तो ओसिलेशन कैसे बन रहे हैं कि जाते वक्त जो इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी ली इस कैचर के बंद कैविटी से, सिंगल जो एनोड कैविटी उससे, उसके रिटर्न जनरी में वो उससे कहीं अधिक एनर्जी उसको वापस से डोनेट कर देते हैं या उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो जाने की यात्रा में जो एनर्जी उनके द्वारा ली गई वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के रूप में, वो वापस की यात्रा में वो एनर्जी उसको उसे कहीं ज़्यादा एनर्जी उसको दे देते हैं। तो इस प्रकार एनर्जी का यानी सिग्नल को क्या कर रहे हैं, ये जनरेट कर रहे हैं, सिग्नल को क्या करेंगे, ये जनरेट करेंगे। तो जाते वक्त एनर्जी लेते हैं और आते वक्त एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये है इसका एप्पल गेट डायग्राम, कि हमने ये वोल्टेज अक्रॉस गैप यानी जो प्री अज्यूम सिग्नल हमने वहाँ माना कि वहाँ पर एक प्री अज्यूम सिग्नल है जो कि कैविटी के अंदर पहले से ही मौजूद है। ये तीन इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए, अर्ली इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन एवं लेट इलेक्ट्रॉन, और ये है रिपेलर स्पेस यानी यहाँ इधर रिपेलर प्लेट है और ये क्या है, यहाँ से वो कैविटी के आगे का शुरू होता है। तो अर्ली इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल किया इसने यानी ये डीपर गया रिपेलर स्पेस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ तक। लेट रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मीडियम ये यहाँ तक जा रहा है, और लेट इलेक्ट्रॉन सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये सारे एक साथ इकट्ठे होकर एक समूह यानी इलेक्ट्रॉन बंच के फॉर्मेशन करते हैं और जो कैविटी है उसमें एक साथ पहुंचते हैं। तो ये इसका क्या है, एप्पल गेट डायग्राम है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को विद रिस्पेक्ट टू इसके दिखाया हुआ है कि जो हमारा रेफरेंस सिग्नल हमने उसमें माना है कैविटी में, तो उसके रिस्पेक्ट में कि उसके 1/3/4 टाइम पीरियड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बंच की फॉर्मेशन होती है। ये 1/3/4 यानी एक तो कंप्लीट साइकिल हो गया यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक कंप्लीट साइकिल हो गया, और ये 3/4 वाला अलग पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ 1/3/4 पर एक इलेक्ट्रॉन की बंचिंग की फॉर्मेशन होती है जो कि ट्रांजिट टाइम कहलाता है। तो एप्पल गेट डायग्राम में हमने ये दिखाया कि रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और लेट इलेक्ट्रॉन व अर्ली इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं और कैसे उनकी बंच की फॉर्मेशन होती है। ये यहाँ एप्पल गेट डायग्राम को यहाँ समझाया गया है, लिखा गया है पॉइंट्स के रूप में कि अर्ली इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस द एनोड कैविटी बट हैज नो एक्स्ट्रा वेलोसिटी एंड रिपेल बैक आफ्टर रीचिंग द रिपेलर इलेक्ट्रोड एंड इंटर्स इन एनोड कैविटी, की रेफरेंस इलेक्ट्रॉन
कि वेलोसिटी में जाते कोई बदलाव नहीं होता और वो रिपेलर प्लेट से परावर्तित होकर एनोड कैविटी में पहुंच जाता है। इसी प्रकार लेट से ईई विच हैज स्टार्टेड अर्लियर देन रेफरेंस इलेक्ट्रॉन रिचेज द रिपेलर प्लेट विद हाईएस्ट वेलोसिटी एंड मूव्स डीपेस्ट इनसाइड द रिपेलर स्पेस। जो अर्ली इलेक्ट्रॉन है वो हाईएस्ट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है और डीपेस्ट जाता है रिपेलर स्पेस में। इट रिटर्न्स बैक एंड रिचेज द एनोड कैविटी एट द सेम टाइम। ये रिपेलर प्लेट से रिपेल होके वापस मुड़ जाता है और एनोड कैविटी में उसी वक्त पहुँचता है जिस वक्त हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। तीसरा पॉइंट, लेट इलेक्ट्रॉन EL विच स्टार्ट लेटर देन बोथ ER एंड EE। जो लेट इलेक्ट्रॉन EL है जिसकी जर्नी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और अर्ली इलेक्ट्रॉन के बाद शुरू हुई थी। हाउएवर इट मूव्स विद लेसर वेलोसिटी एंड कवर्स मिनिमम डिस्टेंस इन रिपेलर स्पेस। ये सबसे कम वेलोसिटी से ट्रेवल करता है और सबसे कम दूरी रिपेलर स्पेस में ट्रेवल करेगा। इट ऑल्सो रिटर्न्स बैक एंड रीचेज द एनोड कैविटी एट द सेम टाइम। ये भी रिपेलर प्लेट से परावर्तित हो जाता है और एनोड कैविटी में उसी वक्त पहुँचता है जिस वक्त रेफरेंस इलेक्ट्रॉन व अर्ली इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे होते हैं। तो नाउ दीज थ्री इलेक्ट्रॉन नेमली रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, अर्ली इलेक्ट्रॉन एंड लेट इलेक्ट्रॉन रीच द गैप एट द सेम टाइम। एक ही साथ एक ही वक्त पर कैविटी में पहुँचते हैं और एक बंच की फॉर्मेशन करते हैं। ये बंच वहाँ कैविटी में जाकर ओसिलेशन प्रोड्यूस करता है जिससे करंट मॉड्यूलेशन होता है और फाइनली हमें माइक्रोवेव सिग्नल आउटपुट के रूप में प्राप्त होने लग जाता है। यानी ओसिलेशन क्या हो जाते हैं, सस्टेंड हो जाते हैं। ये है इसकी परफॉर्मेंस पैरामीटर की फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है 4 to 200 GHz होती है इसकी रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की। आउटपुट पावर लेवल होता है वो 1 mW to 2.5 W तक होता है, जो कि हमने इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये लो पावर का माइक्रोवेव जनरेटर है और लो फ्रिक्वेंसी रेंज है इसकी। थ्योरेटिकल एफिशिएंसी इसकी 22.78 है, जबकि प्रैक्टिकल एफिशिएंसी यदि कैलकुलेट करते हैं तो 10 to 20% ही निकल के आती है। ये इसकी कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर बताए गए हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन है रेडार रिसीवर में रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का यूज होता है, लोकल ओसिलेटर इन माइक्रोवेव रिसीवर, लोकल ओसिलेटर के रूप में इसका यूज किया जाता है, सिग्नल सोर्स इन माइक्रोवेव जनरेटर ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का यदि हमें माइक्रोवेव जनरेटर चाहिए तो वहाँ रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का यूज होगा। पोर्टेबल माइक्रोवेव लिंक जहाँ पर भी इस्टाब्लिश करने हों वहाँ जनरेटर के लिए रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का यूज होगा। और पंप ओसिलेटर इन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, जो पैरामेट्रिक एम्पलीफायर होते हैं उसमें पंप ओसिलेटर जो होता है वो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ही होता है। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन थी, रेडार रिसीवर में पंप ओसिलेटर इन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, पोर्टेबल माइक्रोवेव लिंक जहाँ बनाने हों वहाँ माइक्रोवेव जनरेटर के रूप में, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का माइक्रोवेव जनरेटर जहाँ भी चाहिए हो वहाँ इसका यूज किया जाता है। ये कुछ रेफरेंसेज हैं जहाँ से ये कंटेंट्स लिए गए हैं। तो आज का ये टॉपिक था हमारा रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, जिसके हमने पढ़े कि रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसकी बनावट कैसे होती है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसका एप्पल गेट डायग्राम, उसके परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। तो 2 मिनट में इसको ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से कि रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन एक लो पावर लो एफिशिएंसी का माइक्रोवेव ओसिलेटर होता है। बनावट इसमें एक सिंगल कैविटी का यूज किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन गन, फोकसिंग ग्रिड और रिपेलर प्लेट लगी हुई होती है। रिपेलर प्लेट कैथोड की तुलना में नेगेटिव पोटेंशियल पर होती है, यानी जो VR का मान है वो VA की तुलना में ज़्यादा होता है। फिर वर्किंग, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, फोकसिंग ग्रिड द्वारा उनको बीम के रूप में फोकस कर दिया जाता है। एनोड कैविटी में पहुंचने पर उनका वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के कारण वो
डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं रिपेलर स्पेस में, वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण वो रिटर्न जर्नी में एनोड कैविटी में एक साथ ही एक ही टाइम पर पहुंचते हैं, यानी बंच के रूप में पहुंचते हैं। जब ये बंच उन्हें एनोड कैविटी में आता है तो ओसिलेशन प्रोड्यूस करता है जिससे करंट मॉड्यूलेशन होता है और आउटपुट पर में आरएफ सिग्नल की प्राप्ति होती है। परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स इसकी बताई थी कि ये एफिशिएंसी इसकी लो होती है, थ्योरेटिकल 22.78 है जबकि प्रैक्टिकल 10-20 रहती है। फ्रीक्वेंसी रेंज 4-200 गीगाहर्ट्ज़ के अराउंड बताई है और पावर लेवल मिलीवाट से 2.5 वाट तक इसका पावर लेवल होता है। एप्लीकेशन रेडार में, माइक्रोवेव जनरेटर में, पंप ऑसिलेटर के रूप में, पोर्टेबल माइक्रोवेव लिंक इस्टेब्लिश करने में, तो ये इसकी वेरियस एप्लीकेशन बताई थी। तो इसी के साथ आज का टॉपिक पूरा होता है। असाइनमेंट की बात की जाए तो क्वेश्चन रहेगा हमारा आज के असाइनमेंट का कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। पुनः रिपीट कर देता हूँ मैं, एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। इस असाइनमेंट आपको 7 दिन में हमारी जो मेल आईडी है gpcnelectronics@gmail.com पर सबमिट करना है। तो थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।